सब्सक्राइब करें लाइफ स्टाइल विद चारू सिवरे चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ। जो सुबह का सारा मेरा काम होता है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा। क्या 2-4 दिन से जो हो रहा है कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, अभी भी बारिश चालू है। तो वही मैं आज इस जगह बैठ के अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अभी नहा के आई हूँ। देखिए, जो मैंने कल आप लोगों को पैक दिखाया था मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में वीडियो में, तो देखिए मैंने अभी हेयर वॉश किए हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल कितने ये शाइनी हो रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, वो पैक बहुत यूजफुल है, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं अपने बालों पे। सो अभी सारा काम हो चुका है, मेरी सुबह की जो क्लीनिंग डस्टिंग होती है वो भी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जा रही थी ब्रेकफास्ट बनाने, तो मैंने सोचा चलिए उससे पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ और मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन कर ही जाता है। रोज़ रोज़ जो खाओ तो उसका मन नहीं होता, लगता है कुछ अलग सा खाओ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना की खिचड़ी वैसे मोस्टली लोग व्रत के दिन बनाते हैं, जब व्रत होता है तभी लोग बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ मुझे और इनको इतनी पसंद है कि ये व्रत का वेट नहीं करते हैं। बोलते हैं क्या व्रत का वेट करना है, कभी भी बना के खा सकते हैं। तो मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। मैंने कल से ही सोच लिया था कि मुझे आज बनानी है, तो कल रात में ही मैंने जो साबूदाना था उसको सोख करके रख दिया था, अच्छे से वॉश करके सोख करके मैंने रख दिया, तो वो भी सोख हो गया है। और मैंने सारी प्रिपरेशन जो उसमें आलू वगैरह हरी मिर्च वगैरह लगती है वो भी मैंने सब काट के रख दी है। तो मैं सोची चलिए जब मैं बनाने जा रही हूँ उसके पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ और आप लोगों को भी बता देती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में आज क्या बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी किचन में चलिए, मैं जैसे जैसे बनाऊँगी आप लोग भी देखिएगा और उसमें क्या कमी है, क्या मुझे उसमें सुधार करना चाहिए वो भी आप लोग मुझे बताइएगा। सो चलिए पहले बना लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, ये भी नहाने चले गए हैं, क्योंकि ये नहा के आएंगे तो ये नहा के आते हैं इनको तुरंत ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, इनसे वेट नहीं होता है। और इनसे क्या सभी से होता है, जब तक हम लोग बिना नहाए ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं, जैसे ये नहा के निकलते हैं इनको तुरंत ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो फिर चलिए चलते हैं किचन में और पहले बना लेते हैं, नहीं तो फिर ये निकल के फालतू में इनको भी गुस्सा आ जाएगी भूख की वजह से। सो चलिए पहले किचन में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैं डालूंगी देसी घी। फ्रेंड्स, ये जो खिचड़ी है ये देसी घी में ही अच्छी लगती है, अगर चाहे तो आप रिफाइंड में बना सकते हैं, बस कभी सरसों के तेल में मत बनाइएगा। वैसे तो मैं देसी घी में ही बनाना कहूँगी कि बनाइए आप, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है देसी घी में। सो तेल को मैं गर्म होने दूंगी। तो देखिए घी मेरा गरम हो चुका है, वैसे भी कढ़ाई गरम थी, घी को गरम होने में टाइम नहीं लगा है, तो मैं इसमें ये मूंगफली के दाने डाल दूंगी, इनको अच्छे से फ्राई कर लूंगी मैं। सो फ्रेंड्स, देखिए दाने मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इस घी में डालूंगी सबसे पहले जीरा, जीरा के बाद मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च और ये मैंने कुछ करी पत्ता धो के ले लिया है, मैं ये डाल दूंगी। इन सब के हो जाने के बाद मैं इसमें ये आलू डालूंगी। आलू देखिए मैंने छोटे छोटे पीस में ही काट के रखे हैं। गैस की फ्लेम को मैंने धीमा कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि जो ये आलू है ये गल जाए और नमक इनके अंदर तक चला जाए। अगर फ्रेंड्स आप ये व्रत के लिए बना रहे हो तो इसमें नमक आप जो व्रत वाला आता है वो नमक डालिएगा, ये जो मैंने तो नॉर्मल सा नमक डाला है वो नमक आप लोग मत डालिएगा, क्योंकि मैं व्रत में बना नहीं रही हूँ, मुझे इसको ऐसे ही खाना है। तो अब मैं इसको ढक के पका लूंगी, जब तक ये पूरा आलू गल जाएंगे मैं इसको तभी तक पका लूंगी। तो देखिए आलू मेरे अच्छे से पक चुके हैं बिल्कुल, और ये साबूदाना मैंने पहले से ही भिगा करके रख लिया था। ये मैंने महीन वाला साबूदाना लिया है,
आप अगर चाहें तो आप बड़ा वाला साबूदाना भी ले सकते हैं, जो थोड़ा सा मोटा वाला आता है। और ये मैंने कल रात में भिगा के रख दिया था, इसको अच्छे से वॉश करके पानी से, और इसको मैंने पानी एकदम सारा इसका हटा के इसको हल्के से पानी में बिल्कुल छींटा मार के पानी की इसको रख दिया था। अभी आलू मेरे पक चुके हैं, अब मैं अपना ये साबूदाना इसमें ऐड कर दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसमें मैं डालूंगी हल्का सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने आलू में भी नमक डाला था इसलिए मैं थोड़ा उसी के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी इसमें, आप लोग अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूंगी। तो मैं इसको ढक देती हूँ, मैं इसको ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लूंगी, ताकि जो वैसे तो साबूदाना ये भीगा हुआ है, बट ढकने के बाद साबूदाना थोड़ा सा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो 3 मिनट बाद देखिए मैंने इसको ओपन किया है, ये काफ़ी अच्छे से देखिए कितनी अलग अलग बनी है। बहुत से लोग फ्रेंड्स इसमें जो ये मूंगफली के दाने होते हैं इनको भी क्रश करके डालते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये मूंगफली के दाने और ये कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें मैं ऐड करूंगी नींबू का रस। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहे तो ऐड करिए, अगर आप लोग चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट नींबू का रस ऐड करने से थोड़ा सा ये अच्छा लगने लगता है, टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। तो मैं इसमें नींबू का आधे नींबू का रस ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और ये रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो इधर मेरी चाय भी बन रही है, चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स रेडी हो चुकी है ये, और कितनी अच्छी लग रही है, और ये बहुत खिली खिली भी बनी है, बहुत अच्छी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को मूंगफली के दाने थोड़े ज़्यादा पसंद है तो आप उसको भी क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ मुझे और इन लोगों को अच्छी इसी तरह से अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर अपनी और इनकी प्लेट लगा ली है, और चाय भी मेरी बन चुकी है, तो चलिए अब इसको गर्मा गर्म इन्जॉय कर लेते हैं, आप लोग भी इन्जॉय करिए। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो चुका है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सारे बाकी जो पेंडिंग वर्क थे, जैसे कपड़े जो मैंने धुले थे उनको, कपड़ों को फैलाना वगैरह था, और किचन में जो भी बर्तन हुए थे ब्रेकफास्ट के वो सब मैंने साफ़ किया, पूरा किचन फिर से साफ़ किया, क्योंकि गंदा किचन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। सारे काम करने के बाद अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का, और अब लंच का भी टाइम हो गया है। सो मैंने लंच की सारी तैयारी कर दी है, लंच में मैं आज भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने भिंडी काट के रख दी है, लहसुन वगैरह छील के, प्याज छील काट के, सब कुछ करके रख दिया है मैंने। सो केवल मुझे अब बनाना है, और आज लंच में मैं बनाऊंगी दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। सो उसकी भी मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी है। फिर मैं चलिए सोचा तो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, तो मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ, और 12:30 बज गया है, लंच का टाइम भी टाइम हो गया है। तो फिर चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए किचन में, और मैं बनाऊंगी लंच, और आप लोग मुझे कंपनी दीजिए। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए मैंने तेल भी अपना गर्म कर लिया है, अब ये मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इसमें डालूंगी ये लहसुन, लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें ये प्याज और हरी मिर्च, भिंडी आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं, मैं बनाती हूँ केवल लहसुन वाली भिंडी बनाती हूँ, बट आज मैं लहसुन और प्याज दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। मैं कई तरह की भिंडी बनाती हूँ, अभी तो ये मेरा पहला ही वेरिएशन है। मैं जिस तरह से भिंडी बनाती हूँ, मैं जब भी बनाऊँगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। सो प्याज देखिए मेरा फ्राई हो चुका है, अब मैं अपनी ये भिंडी इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, गैस की फ्लेम को कर दूंगी धीमा, इसको मैं अच्छे से पकने तक, जब ये एकदम फ्राई हो जाएंगी क्रिस्पी दिखने लगेंगी, मैं तब तक ही इनको फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स
मैंने अपनी भिंडी को ढककर अच्छे से पका लिया था। अच्छे से चलाते हुए मैंने इसको बीच बीच में चला लिया था। अब ये पूरी तरह से पक चुकी है, तो अब मैं इसको फुल फ्लेम पे अच्छे से भूंज लूंगी काफी अच्छे से। इसको मैं क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लूंगी। उसके बाद मैं इसमें बस अपना मसाला ऐड करूंगी। नमक तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, अब बाद में मसाला मैं इसके बाद में ऐड करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, भिंडी मेरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड कर दूंगी। मैं इसमें ऐड करूंगी आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक मैंने डाल दिया था, और इसमें मैं अब डालूंगी लाल मिर्च, अच्छा सा इसको एक मिक्स दे दूंगी। इसके बाद मैं इसको ढक करके ही मसाले पक जाए इसके लिए मैं 2 से 3 मिनट तक ढककर इसको पका लूंगी, और उसके बाद बस भिंडी बन के रेडी हो जाएगी। चलिए फिर इसको पकाने के बाद मैं अपनी भिंडी बना लूंगी, और भिंडी तो बन चुकी है, तो चलिए अब एक साइड रोटी सेक लेती हूँ, लंच का टाइम भी हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है मेरी थाली। रोटी, दही, मिर्च, दाल, भिंडी की सब्जी, और ये सब्जी मैंने कल करेले की बनाई थी तो ये भी रखी है, और राइस। देखिए आप, थाली पूरी भर गई थी इसलिए मैंने राइस इसमें नहीं रखे हैं, राइस मैं अलग से ले लूँगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज आपको मेरा लंच? तो चलिए पहले मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, आज के वीडियो का एंड मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई हूँ कुछ रीजंस की वजह से। सो मैं अब इस तरह से वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन बटन ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। सो फिर मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय।